गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। काना गार्डन में आज मैं मॉर्निंग में हूँ और आज मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है। मेरे पास काफ़ी सारे कैक्टस इकट्ठे हो गए हैं जिनको कि मैं फ्रेंड गार्डन में ले गई थी और मैंने उनसे काफ़ी सारे न्यू प्लांट्स भी बनाए हैं। तो एक कैक्टस है मेरे पास जो है फेरी कासल कैक्टस, जिसको कहते हैं फेरी कासल कैक्टस, जो कि कासल की तरह बढ़ता है और काफ़ी सुंदर कैक्टस है। तो उसको भी मैंने कटिंग से ग्रो कराया था। मैं दिखाती हूँ कौन सा है वो प्लांट। ये है वो फेरी कासल कैक्टस का बेबी, जिसको कि मैंने ग्रो कराया है कटिंग से। ये आप साइड में देख रहे होंगे, कासल की तरह से बढ़ता जाता है चारों तरफ से। और ये छोटी छोटी बाद में ये जो इसकी यहाँ से ये निकलता है कासल की तरह से ऊपर की तरफ जाती हैं ये हिस्सा इसका। तो इनको ही मैंने एक हिस्से को जो बड़ा हो गया था कटिंग से काट के, और इसको मैंने इस छोटे से गमले में, एक छोटा सा गमला है मेरे पास, इसमें मैंने इसको लगाया था। तो अब ये बढ़ना शुरू हो गया है, काफ़ी दिनों से ये ग्रो कर रहा है। मैंने सिर्फ ये वाली जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा होगा ये मैंने लगाया था, और ये साइड से नीचे वाला ये सारा अपने आप ग्रो हुआ है। तो आज मैं इसको छोटे से गमले से निकाल के थोड़ा बड़ा गमला देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा बड़ा चाहिए प्लांट, ये वाला कैक्टस। और मैं इसको देखना चाहती हूँ कि बड़ा होके ये कितना खूबसूरत दिखता है। मेरे पास जितने भी फेरी कासल कैक्टस हैं सब छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। तो इसको मैं आज थोड़ा सा बड़ा पॉट दूंगी, जिससे कि ये थोड़ा मुझे बड़ा दिखे और शायद इसमें फ्लावरिंग भी होती है मैंने सुना है, बट मैंने तो अभी तक फ्लावरिंग नहीं देखी, क्योंकि मेरा शायद नए प्लांट भी हैं ये, और काफ़ी सालों के बाद में फ्लावरिंग होती है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं इसको इस गमले से पहले निकालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने छोटे वाले पॉट से बाहर निकाल दिया है, और ये देखिए कितना अच्छा रूट सिस्टम डेवलप हुआ है इसका। ये सब रूट्स आ गई हैं, और इस समय काफ़ी गर्म मौसम है, तो मैं इसकी मिट्टी जो कि इससे पूरा ये भरा हुआ है, मिट्टी नहीं अलग करूँगी, जिससे इसको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम ना हो। और इसको कुछ दिन बिल्कुल छांव में रखने की कोशिश करने वाली हूँ मैं। तो अभी तो मैं दिखा रही हूँ कि रूट सिस्टम कितना अच्छा डेवलप हुआ है। ये सब, ये देखिए, ये सब इसमें ही ग्रो हुआ है। मैंने बस ये बीच वाला हिस्सा जो मैं पकड़ के रखी हूँ इसको ही मैंने लगाया था, और ये सब इसमें ही ग्रोथ हुआ है। तो ये कासल की तरह से चारों तरफ से बढ़ता जाता है। तो इसके लिए आज मैंने इस बड़ा वाला गमला एक चूज़ किया है। और जब भी कैक्टस पे आप कोई काम करें तो ग्लव्स ज़रूर पहन लें। मैंने भी ग्लव्स पहन लिए हैं। नॉर्मली मैं ग्लव्स पहन के ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, तो कैक्टस के साथ करने पड़ते हैं। कई बार मुझे भी कांटे चुभ चुके हैं। अभी तो इसके कांटे बहुत सॉफ्ट हैं, क्योंकि ये नीचे से आया है जहाँ बहुत धूप नहीं है। जब हम धूप में रखते हैं कैक्टस को, तो उसके कांटे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो थोड़ा ख्याल करना है। अगर आपके घर में बच्चे हों तो कोशिश करना है कैक्टस को ऐसी जगह रखें जहाँ पर बच्चे ना पहुँच सकें। तो चलिए अब हम इसको इस बड़े वाले पॉट में लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने सॉइल जो है थोड़ी सी सैंडी सॉइल लेनी है। तो ये वाला गमला मैंने लिया है जिसमें सॉइल पहले से ही थी, और ठीक ठाक सॉइल ही थी इसकी। इसमें थोड़ी सैंड मिली हुई थी पहले जो प्लांट इसमें लगा हुआ था, तो मैंने अभी फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं किया है, बट मैं थोड़ी मिट्टी कम कर रही हूँ, बाद में और डाल दूँगी, बट अभी मैं इसमें थोड़ी कम मिट्टी में इसको लगाना चाह रही हूँ, कि जिससे पानी जो भी मैं डालूँ वो पूरा ही निकल जाए और बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना ठहरे। वैसे तो वेलड्रेन सॉइल है और पॉट भी वेलड्रेंड है, फिर भी प्रिकॉशनरी मैं ज़्यादा मिट्टी अभी नहीं इसमें डालने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा कम मिट्टी में इसको प्लेस कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसे बीच में प्लेस कर दूँगी, और मैं चारों तरफ से इसको मिट्टी से फिल कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको बीच में प्लेस कर दिया है, और जैसे मैंने बोला था काफ़ी मिट्टी मैंने कम कर दी इसकी, और मैं थोड़ा सा इसमें मैन्यूरिंग करना चाहती थी पर मैंने भी की नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी है तो ज़्यादा मैन्यूरिंग नहीं करूँगी। थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में काउडंग मैन्यूर मैं इसमें डाल दूँगी, बस इतना ही काम करना है। ज़्यादा नीडी नहीं होते हैं कैक्टस प्लांट्स,
तो बस मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और कुछ दिन इसको थोड़ा सा सर्वाइव करने का टाइम मिलना चाहिए। तो मैं इसको किसी ऐसी जगह पे रखने वाली हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा धूप ना आती है, फिर सर्वाइव कर लेगा जब, तो उसके बाद तो धूप में हम इसे आराम से रख ही सकते हैं, क्योंकि सन लविंग प्लांट्स ही होते हैं ये, तो धूप में आराम से रखेंगे। फिर इसके कांटे काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, जो कि अभी काफ़ी सॉफ्ट हैं और मैं आराम से छू पा रही हूँ। फिर इसके बाद मुझे इसको काफ़ी केयर के साथ छूना पड़ेगा। तो आज बस मैंने ये रिपोर्टिंग का ही काम किया है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ कान्हा गार्डन के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और कान्हा गार्डन को देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।